हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट नॉइस एंड रैंडम वॉक के बारे में। इससे पहले हमने कम्प्लीटली स्टेशनैरिटी के टेस्ट, किस तरीके से हम डेटा को स्टेशनरी बना सकते हैं, ये सब चीजें कंप्लीट कर ली हैं। बहुत लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करते तो हैं, बट उन्हें वाइट नॉइस और रैंडम वॉक का टर्म ही नहीं पता कि वो क्या होते हैं। और कुछ लोग को पता होता है तो वो कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में वाइट नॉइस क्या होता है एंड रैंडम वॉक क्या होता है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द वाइट नॉइस। White noise is a time series data that is having no pattern, trend, or seasonality. अगर कोई आपके पास टाइम सीरीज डेटा है जिसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा, कोई सीजनैलिटी नहीं दिख रही, ओके, और जो प्रॉपर्टीज हैं वाइट नॉइज की, दैट इज सेम मीन या फिर आप कह सकते हो कॉन्स्टेंट मीन, कॉन्स्टेंट वेरियंस, नो ऑटो कोरिलेशन। अगर ये तीनों एंड दिस थ्री प्रॉपर्टीज किसी टाइम सीरीज डेटा से मैच कर रही है तो वो टाइम सीरीज डेटा एक वाइट नॉइज है। वेरियंस और मीन तो आपको पता होगा, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है? ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि आज की वैल्यू कल की वैल्यू पे डिपेंड करती है या नहीं, या फिर उससे पहले की वैल्यू पे या फिर उससे पहले की वैल्यू पे। ऑटो कोरिलेशन मतलब खुद की वैल्यूज पे क्या वो ऑटो कोरिलेटेड है, क्या वो कोरिलेशन है पिछली वैल्यू से, क्या कोरिलेशन है आज की वैल्यूज का। तो ऐसी टाइम सीरीज डेटा जिसमें कोई कोरिलेशन ही ना हो, जिसमें वेरियंस भी कॉन्स्टेंट हो, मीन भी कॉन्स्टेंट हो, ऐसी टाइम सीरीज डेटा वाइट नॉइज होती है। और अगर आपके पास कोई वाइट नॉइज का टाइम सीरीज डेटा आता है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाना ही नहीं है, उसको एनालाइज करना ही नहीं है, वो कंप्लीटली रैंडम है। दैट इज कंप्लीटली रैंडम। अभी रैंडम चीजों को प्रिडिक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो हमें प्रिडिक्शन भी मिलेगा, वो भी नॉइज ही मिलेगा, कोई भी उसका रिलेशन नहीं रहेगा ओरिजिनल डेटा से। ओके, सो कंप्लीटली रैंडम सीरीज होती है वाइट नॉइज, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे सीक्वेंस ऑफ टाइम पे आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो, तो टेल आएगा या हेड आएगा, ये एकदम इंडिपेंडेंट इवेंट है। करंट वैल्यू आपकी टेल आ गई, इससे पहले हेड आया था, उसके बाद फिर से हेड आ गया, उसके बाद फिर से हेड आ गया। अभी ये चीज़ बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये पास्ट वैल्यूज पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है, वाइट नॉइज है। उसका जो हम टाइम सीरीज डेटा निकालेंगे, जो उस ऑब्जर्वेशन का टाइम सीरीज डेटा निकालेंगे, वो कम्प्लीटली वाइट नॉइज होगा। ओके, रैंडम वॉक इज अ क्यूमुलेटिव पैटर्न, इट्स अ क्यूमुलेटिव पैटर्न। क्यूमुलेटिव आपने अगर सुना हो तो क्यूमुलेशन क्या होता है कि जैसे कि आज की वैल्यू कल की वैल्यू को प्लस किया, कल की वैल्यू निकल गई, फिर कल की वैल्यू परसों की वैल्यू प्लस किया, फिर परसों की वैल्यू निकल गई। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव पैटर्न होता है रैंडम वॉक क्या है, अभी आज की जो वैल्यू रहेगी वो हैवीली डिपेंड करेगी कल की वैल्यू से। सो फॉर एग्जाम्पल वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस वन प्लस एन एरर टर्म। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस रैंडम वॉक जो निकलते हैं उसमें जो एरर टर्म होता है वो होता है वाइट नॉइज। ओके, सो दिस काइंड ऑफ टाइम सीरीज डेटा इज अ रैंडम वॉक, दिस इज द रैंडम वॉक। आपका जो करंट वैल्यू है वो कल की वैल्यू प्लस कुछ एरर टर्म होता है। रैंडम वॉक इज प्रिडिक्टेबल क्योंकि इसका जो वैल्यू है उसमें कोरिलेशन है, पिछली वैल्यू से कोरिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें, अभी जो आज की वैल्यू है वो कल की वैल्यू पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। ओके, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रैंडम वॉक का स्टॉक प्राइस। आज की जो भी वैल्यू रहेगी वो कल की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, परसों की जो वैल्यू रहेगी वो आज की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। इसी तरीके से एक आपको क्यूमुलेटिव पैटर्न देखने को मिल जाता है स्टॉक प्राइसेस में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाते हैं वो मीन एंड वेरियंस, ये दोनों हो जाते हैं जो कि चेंज होते हैं ओवर टाइम। इसका जो फर्स्ट डिफरेंस होता है, फर्स्ट डिफरेंस इज स्टेशनरी। रैंडम वॉक इज अ कम्प्लीटली नॉन स्टेशनरी डेटा एंड इसका जो फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं वो स्टेशनरी होता है। नॉन स्टेशनरी होने की वजह से इसमें आपको जो पैटर्न दिखने को मिलता है वो नॉन प्रिडिक्टेबल होता है। इसको हम पहले डिफरेंस से स्टेशनरी बनाते हैं, उसके बाद ही हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो नो प्रिडिक्टेबल पैटर्न। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रैंडम वॉक। नाउ यू कैन सी दिस इज द वाइट नॉइज टाइम सीरीज डेटा एंड दिस इज द रैंडम वॉक टाइम सीरीज डेटा। इसमें अगर हम मीन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक कॉन्स्टेंट मीन देखने को मिल जाता है, कॉन्स्टेंट वेरियंस देखने को मिल जाता है। ओके, और अगर आप देखो तो ये कम्प्लीटली रैंडम वैल्यूज हैं, मतलब
कुछ भी डेटा आया हुआ है, ओके, देर इज़ नो एनी रिलेशन ऑफ, देर इज़ नो एनी ऑटो कोरिलेशन ऑफ द डेटा। बट यहीं अगर हम बात करें रैंडम वॉक की, जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर है वो उससे पास्ट वैल्यू पे कनेक्टेड है, फिर यहाँ पे वैल्यू उससे पास्ट वैल्यू पे कनेक्टेड है, इस तरीके से क्यूमुलेटिव पैटर्न देखने को यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, जिसका वेरियंस और मीन दोनों ही ओवर टाइम चेंज हो रहा है, ओके। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो ये प्रिडिक्टिव नहीं है, ये नॉन स्टेशनरी पैटर्न है, इसको पहले हमें स्टेशनरी बनाना होगा, उसके बाद हम प्रिडिक्टिव मॉडल्स को यूज़ करके देख सकते हैं कि इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स दैट यू कैन यूज़ टू सी इफ़ योर डेटा इज़ अ वाइट नॉइज और अ रैंडम वॉक। सो सबसे पहला मेथड है विजुअली, ओके, आप डायरेक्टली चार्ट को प्लॉट कीजिए, जो भी टाइम सीरीज डेटा है उसको प्लॉट कीजिए और विजुअली देखिए कि क्या कांस्टेंट मीन है, क्या कांस्टेंट वेरिएंस है, क्या कोई कोरिलेशन है या फिर नहीं। सेकंड, आप ACF और PACF प्लॉट का यूज़ कर सकते हो, ACF एंड PACF प्लॉट का यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम सीरीज एनालिसिस में, दैट विल हेल्प यू टू चूज द ऑर्डर ऑफ द मॉडल एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट इफ़ द मॉडल इज वाइट नॉइज और रैंडम वॉक। ये दोनों टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। लास्ट वन इज द जंक बॉक्स टेक्स्ट। So this test is used to check autocorrelation. Okay, so you can see I have imported from stats model this function, and this function is used for that junk box test. Okay, यहाँ पे फिर मैंने कुछ random values generate किया है white noise के लिए, and then random values generate किया है random walk के लिए। यहाँ पे फिर मैंने plotting के functions लिखे हैं, okay, and then यहाँ पे perform किया है junk box test। तो यहाँ पे आप लैग डिफाइन कर सकते हो कि कितने लैग से उसका ऑटो कोरिलेशन आपको चेक करना है, ओके। और यहाँ पे मैंने सीरीज़ को पास किया है, सो दिस इज़ द चार्ट, यू कैन सी वाइट नॉइज एंड रैंडम वॉक, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो यू कैन सी हियर द पी वैल्यू, अगर पी वैल्यू आपकी 0.05 से लेस है तो जो आपका डेटा रहेगा वो रहेगा रैंडम वॉक, और अगर पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तो जो आपका डेटा रहेगा वो रहेगा वाइट नॉइस। सो दैट इज़ हाउ यू कैन चेक इफ़ योर डेटा इज़ अ वाइट नॉइस और रैंडम वॉक। सो इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हो जाता है कि देर इज़ नो ऑटो कोरिलेशन, एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाता है कि देर इज़ अ ऑटो रिलेशन, ओके। तो जब 0.05 से लेस होगा तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज़ सेइंग देर इज़ अ ऑटो कोरिलेशन इन योर डेटा, ओके, एंड दैट मीन्स रैंडम वॉक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स देखने वाले हैं दैट इज़ यूज्ड इन टाइम सीरीज एनालिसिस।